हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स, इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है एलिटिस फेरुंसा। आज मैं आपको एलिटिस फेरुंसा का कुछ गोल्डन सिम्टम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलिटिस फेरुंसा स्पेशल लेडीज के लिए जानी जाती है। वो लेडी जो टायर्ड रहती हैं ऑल टाइम, सब समय टायर्ड रहती हैं, हालांकि उनका विटामिन डी ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा टायर्डनेस फील रहता है उनको, हमेशा कमजोरी लगी रहती है, हमेशा फैटिग रहती है। इसके अलावा जो है उनको यूट्रस की कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, डिक्यूरिया रहता है, कब्जियत रहती है और डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर रहता है, खाना खाने के बाद में पेट में दर्द होता है और हैवीनेस रहता है। तो ये सब जो है एलिटिस का कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है। तो ऐसे फीमेल पेशेंट को एलिटिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 2 महीना तक लेते रहें तो उनकी ये सारी प्रॉब्लम आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि प्रीमेच्योर एंड प्रोफ्यूज मेंसेज विथ लेबर लाइक पेन, माने पीरियड जब होता है 38 तारीख को, 30 तारीख क्यों नहीं हुआ, वो 25 तारीख को हो गया और 25 तारीख हो गया, प्रीमेच्योर हो गया एंड प्रोफ्यूज मेंसेज, और पीरियड इतना ज़्यादा होगा कि प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा होगा और उसके साथ में पेट में दर्द रहेगा और दर्द कैसा रहेगा, लेबर लाइक पेन रहेगा, इतना दर्द रहेगा। अगर ये सिम्टम होता है इलेक्ट्रिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहें कम से कम 3 महीने तक, उनका जो है प्रीमेच्योर जो होता है ये अपने टाइम से होने लगेगा और पीरियड भी नहीं, ब्लीडिंग भी ज़्यादा नहीं होगा और लेबर लाइक पेन जो पेट में दर्द होता है वो भी नहीं होगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है कि अगर फीमेल पेशेंट को सिर्फ ल्यूकेरिया है और ल्यूकेरिया का आपने बहुत दवाई दे दिया है, उस कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया, वो देखे 10 के नीचे है, तो जिस फीमेल पेशेंट को ल्यूकेरिया की शिकायत है और वो भी कमजोरी से भी ल्यूकेरिया होता है और एनीमिया से भी ल्यूकेरिया होता है, तो ऐसे पेशेंट को जिनका हीमोग्लोबिन कम है और उनको डिस्चार्ज हो रहा है कमजोरी से और एनीमिया के कारण, तो उनको भी जो है दवाई रामबाण की तरह काम करती है। इलेक्ट्रिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाए। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है प्रोडक्ट्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस बाहर निकल जाता है, इसकी ढेर सारी दवाइयाँ हैं हमने बताया है, तो उनको नियमित रूप से खाना पड़ेगा, खाली एक दवाई से उनका जो है प्रोडक्ट्स ऑफ यूट्रस ठीक हो जाएगा, नियमित खाना पड़ेगा 10 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 6 महीने तक लें, बाकी चाहे CPR लें चाहे लिडियम टी लें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चेदानी बाहर निकल जाती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, डॉक्टर ने एडवाइस दे दिया है कि आपका जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप इस दवाई पर भरोसा करके नियमित रूप से 6 महीना खाइए, देखिए आस्ते आस्ते आपका प्रोडक्ट्स ऑफ यूट्रस ठीक हो जाए। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है कि मच फ्रूथी सलाइवा, हम लोग जब थूकते हैं वो फेना फेना होता है, जैसे यूरिन करते समय फेना फेना हो गया तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, इसी तरह से अगर आपके जब थूकते हैं सलाइवा तो वो फ्रूथी होता है, फेन जैसा होता है, तो ऐसे सिम्टम में भी जो है पेशेंट को डिजीज कोई भी हो इलेक्ट्रिस 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए कम से कम एक महीना, तो उनका जो सलाइवा फ्रूथी होता है वो जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है कि अगर किसी महिला को प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है और उसमें वोमिटिंग तो कॉमन बात है, लेकिन वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक वोमिटिंग हो गई आप जो है 10 बूंद दे लीजिए, उसके बाद नहीं ठीक हुआ फिर एक बार दे लीजिए, तो जब तक वोमिटिंग होती रही तब तक इस दवाई को आप लेते रहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये दवाई जो है उस समय काम करती है, और जब आपकी वोमिटिंग ठीक हो जाए तो दवाई भी बंद कर दीजिए, इसको आप दिन में 2-3-4 बार ले सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, जब तक आपका वोमिटिंग नहीं ठीक हो जाता है और आप प्रेग्नेंट है तो आपका जो वोमिटिंग ठीक हो जाएगा तो दवाई बंद कर दीजिए। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है कि इट इंक्रीजेज एनर्जी लेवल, ये तो पहले बता दें कि इसका पेशेंट बहुत ही फटीग होता है, बहुत कमजोरी होता है, तो यह दवाई जो है इंक्रीजेज एनर्जी लेवल, इसके अलावा अगर कोई मेल पेशेंट है उनको भी एनर्जी की कमी है, ताकत की कमी है, कमजोरी लगती है, तो ये दवाई जो है एलिटिस फेरुंसा 30 पावर में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहें तो उनका एनर्जी लेवल जो है बढ़ जाएगा, उनकी ताकत बढ़ जाएगी। दोस्तों, उसका अगला गोल्डन सिम्टम है कि इम्प्रूव्स लॉस ऑफ एपिटाइट, अगर भूख खत्म हो गई है, भूख लगती नहीं है
तो ऐसे पेशेंट को जो है ये दवाई एलिप्टिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 1 महीना के लेने से उनकी एपेटाइट ठीक हो जाएगी, उनकी भूख बढ़ जाएगी, क्योंकि जो है इट इम्प्रूव्स लॉस ऑफ एपेटाइट। दोस्तों इसका अगला और अंतिम गोल्डन सिम्टम है, इट ट्रीट्स फेंटनेस एंड वर्टिगो। या जो है कोई पेशेंट बेहोश हो गया, उसको चक्कर आ गया, गिर गया, फिटनेस हो गया, ये दवाई घर में रखे रहेंगे तो चक्कर भी ख़त्म हो जाएगा और फिटनेस भी ठीक हो जाएगा। तो फिटनेस के लिए आपको दिन में 3 बार नहीं देना है, क्योंकि फिटनेस हो गया है, बेहोशी आ गई है, तो एलिप्टिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके हर एक आधे घंटे पर 4-5 बार दीजिए। जब आराम हो जाएगा तब दिन में 3 बार लगातार दीजिए, क्योंकि वर्टिगो तो जल्दी नहीं ठीक होता है। तो फिटनेस और वर्टिगो दोनों का कम्बिनेशन है, तो जो एलिप्टिस फिरनुसा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके इमरजेंसी में आधे एक घंटे पर लीजिए, और जब ठीक हो जाए तो उसको दिन में 3 बार लगातार लीजिए, तो आपका फिटनेस एंड वर्टिगो से मुक्ति पा जाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको एलिप्टिस फिरनुसा का कुछ गोल्डन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।